हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस मोटिवेशन वीडियो जो है एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ, जो कि राहत इंदौरी का है। गुलाब जाम जहर क्या क्या है, गुलाब जाम जहर क्या क्या है, मैं आ गया हूँ इंतजाम क्या क्या है। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में ये खास कर उन स्टूडेंटों के लिए है जो निराश बैठे रहते हैं, सिर्फ वो अपने दोस्तों के चलते, जैसे उनके फ्रेंड्स हैं वैसे फ्रेंड्स होने के चलते वो अपना करियर को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आपको पॉजिटिव एटमोसफेयर यानी कि अच्छा सोच वाले व्यक्ति के साथ आपका माहौल क्रिएट होना चाहिए। आपको समय पर अगर अच्छा माहौल मिल जाएगा तो आप जरूर ही कामयाब होंगे। सिर्फ माहौल क्रिएट नहीं होने के वजह से ही लोग परेशान रहते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिल पाती है। आइए मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ कि एक उटनी और एक उटनी का बच्चा एक चिड़ियाघर में है ना। तो उटनी का बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, हम लोग के पीठ, आप लोग देखे होंगे ऊंट कि उसके एक पीठ पे कुबड़ होता है, तो सवाल करते कि हम लोग के कुबड़ क्यों होता है। तो उसकी माँ जवाब देती है कि ये कुबड़ जो होता है ना, हम लोग रेगिस्तान में चलने वाले हैं और रेगिस्तान में कभी कभी बहुत दिनों तक पानी नहीं मिल पाता है, और हम लोग अपने कुबड़ में पानी का स्टोर करते हैं और इस पानी का इस्तेमाल, जब पानी नहीं मिलता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस सवाल को जवाब पाकर वो खुश होता है। फिर आगे सवाल करता है अपनी माँ से, माँ, हम लोग का पैर इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं। तो माँ अगले सवाल का भी जवाब बहुत अच्छे तरीके से देती है और कहती है कि रेगिस्तान में हमें बहुत लंबा लंबा दूरी तय करना होता है, इसीलिए भगवान ईश्वर ने हमारे पैरों को लंबा बनाया है ताकि हम लंबा दूरी तय कर सके। तो इस जवाब को भी पाकर वह खुश होता है। फिर इसके बाद सवाल तीसरा करता है फिर अपनी माँ से कि माँ, हम लोग की आंखों पे, हमारी आंखों पे इतने लंबे लंबे बाल क्यों होते हैं। तो माँ तीसरे सवाल का भी जवाब देती है कि माँ जवाब देती है कि रेगिस्तान में बहुत आंधी तूफान चला करते हैं और उन आंधी तूफान में धूल उड़ती है बालों की वजह से, क्योंकि रेगिस्तान में बालू होते हैं और धूल उड़ती है। इन धूलों से बचने के लिए ईश्वर ने हमारी आंखों पर बड़े बड़े बाल दिए हैं। इस जवाब को भी सुनकर खुश होता है और अंत में एक सवाल पूछता है अपनी माँ से, छोटा सवाल कि माँ, इन सब खूबियां होने के बावजूद हम इस चिड़ियाघर में क्यों हैं। माँ इसका जवाब सुनकर हताश हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब, इतना खूबी होने के बाद हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, लेकिन उस इंसान को उसके अनुसार माहौल नहीं मिल पाता है और ये माहौल नहीं मिलने के कारण ही वो नाकामयाब हो जाते हैं। अगर आप अपने लायक दोस्तों फ्रेंड्सों को बताते हैं जो आपको हमेशा उत्साहित करते रहे तो आप जिंदगी में जरूर ही कामयाब होंगे। तो आप उन माहौल को चुनिए, उनके वैसे लोगों के साथ रहिए जिनका सोच हरदम पॉजिटिव होता है, जो कठिन परिश्रम करते हैं और उन्हें कामयाबी के सिवा कुछ मंजूर नहीं होता है, यानी उन्हें सिर्फ सक्सेस चाहिए, सिर्फ सक्सेस। तो आपको सक्सेस पाना है जिंदगी में तो सबसे बड़ा पहला काम है कि पॉजिटिव एटमोसफेयर। पॉजिटिव एटमोसफेयर कहने का मतलब कि आप धनात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ एक माहौल क्रिएट कीजिए, आप उन सब के साथ रहेंगे तो आप जरूर ही सफल होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।